रोल। नमस्कार, मेरा नाम फरहाना फातिमा है और मैं इस शो में शांति मिश्रा का कैरेक्टर निभा रही हूँ। इस शो के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये शो जो है वो दो परिवारों की कहानी है जो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। ये शो हमारा बेस्ड है लखनऊ की स्टोरी पर। इसमें सब कुछ लखनऊ का है, लखनऊ का फ्लेवर है, हर एक बातचीत का अंदाज, लैंग्वेज से लेकर सभी चीज़ें लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। और लखनऊ क्या अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, यूपी का फ्लेवर है इसमें। और इसमें हम एक हवेली में शूट कर रहे हैं जो कि एक लाइव लोकेशन है बिल्कुल। इसकी खासियत ये है शो की कि ये शो जो है वो बिल्कुल एक लाइव प्लेस पे किया जा रहा है, यानी कि एक अभी तक हम सेट्स पे शूट करते आए हैं, हमेशा हर शो के लिए हमें सेट बनाना पड़ता है, लेकिन ये इसमें बहुत ही खास बात है कि हमें बिल्कुल वैसे ही हवेली मिल गई है यहाँ पे जिसमें हम शूट कर रहे हैं। और इस हवेली का नाम है 3/13, इस नंबर है इस हवेली का। और इस हवेली में दो परिवार रहते हैं, एक मिर्ज़ा परिवार, एक मिश्रा परिवार। और मिर्ज़ा परिवार जो है उसमें उनकी एक वाइफ है, दो बच्चे हैं। ऐसे ही मिश्रा परिवार है जिसमें वाइफ है और उनके 3 बच्चे। इस शो में मेरे कैरेक्टर का नाम है शांति मिश्रा, जो कि मिश्रा जी की वाइफ है, मिश्रा परिवार की बहू है। और ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इस कैरेक्टर के लिए मैंने पहले ऑडिशन नहीं किया था। मैंने काफ़ी सारे ऑडिशन वैसे दिए हैं, लेकिन पहले मैंने सकीना के लिए भी ट्राई किया गया मुझे, फिर बाद में मुझे शांति के लिए ट्राई किया गया, और फिर शायद फाइनली चैनल को और सभी को ऐसा लगा कि मैं शांति मिश्रा में ज़्यादा परफेक्ट लग रही हूँ, तो उन्होंने मुझे इसके लिए कास्ट किया। और इसके लिए मैंने बहुत सारे ऑडिशन डाउन किए, बहुत सारे मॉक शूट्स हुए, बहुत सारे लुक टेस्ट हुए हमारे, तो बस यही प्रोसेस था। इस शो में जो मेरा कैरेक्टर है शांति, वो थोड़ा सा लाउड कैरेक्टर है, थोड़ी सी गुस्सैल है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, और अपने हस्बैंड को थोड़ा सा दबा के रखती है और उन पर हावी रहने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही बड़ी मीठी सी नोकझोंक भी है जिसमें हस्बैंड भी पीछे नहीं है, वो भी कभी कभी जवाब दे ही देते हैं। और दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्यार भी बन जाता है कभी कभी। तो इस तरह का कैरेक्टर है मेरा शांति का, जो कि बहुत ही अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ से मिलता जुलता एक आम से परिवार का एक किरदार है। जब इस शो की हमने शूटिंग शुरू की तो काफ़ी उससे पहले हम बहुत सारे मॉक शूट्स और बहुत सारे ट्रायल्स कर चुके थे, लेकिन फाइनली बिल्कुल हम लोग बहुत प्रे कर रहे थे कि पता नहीं कब हमारा ये शो शुरू होगा। एंड वी आर सो एक्साइटेड, जब हमारा पहला एपिसोड हमने शूट किया, पहला दिन हमारा शूट पे था, तो बहुत ही खुशी हुई कि फाइनली हमारी सबकी इतनी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, अब हम काम कर रहे हैं अपने शो में, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे साथ प्लीज देखना मत भूलिएगा आप एन टीवी पर 30 मार्च से रात 9:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। और भाई क्या चल रहा है? हाय, मेरा नाम अम्बरीश बॉबी है और हम आपके सामने आ रहे हैं नए कॉमेडी शो में जिसका नाम है और भाई क्या चल रहा है, जिसमें मैं रमेश प्रसाद मिश्रा का किरदार निभा रहा हूँ। इस शो में दो फैमिली की कहानी है, मिर्जा और मिश्रा, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत ही करते हैं। इसमें आपको लखनऊ की तहजीब, लखनऊ जायका सब देखने को मिलेगा। मैं खुद लखनऊ का हूँ इसलिए मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा शो है। सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो तो आप जब शो हमारा शुरू होगा तभी देखेंगे, लेकिन इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जो रमेश प्रसाद मिश्रा का कैरेक्टर है, ये किस तरह से डिफरेंस है मैं आपको बताऊँ कि और दूसरे कैरेक्टर से कैसे अलग होता है। तो ये घर में तो ही बिल्ली जैसा है, मतलब वाइफ के सामने आते ही उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, पर जब वो बाहर जाता है अपने दुकान पर जाता है, उसकी पान की दुकान है, जब वो अपनी दुकान पर जाता है तो वो शेर है मोहल्ले में, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, बट जैसे ही घर आता है, चाहे वो बीवी हो चाहे बच्चे हो उसके पिताजी हो, सबके सामने वो भीगी बिल्ली सा बन जाता है। हालांकि मुझे लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा, बट फिर भी बहुत अलग है, बहुत यूनिक कैरेक्टर है मिश्रा का। आपको बिल्कुल कभी कभी मिश्रा एकदम कार्टून लगने लगेगा, कभी लगेगा अरे बाप रे बाप कितना सज्जन आदमी है, फिर कभी कभी लगेगा अरे बदमाश तो है मतलब उसके मन में कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है, बट बहुत मजा आएगा इस कैरेक्टर को देखने में, बहुत यूनिक कैरेक्टर है और मुझे करने में भी बहुत मजा आ रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ये रमेश प्रसाद मिश्रा का रोल कैसे मिला। मुझे बताया मेरे दोस्त ने कि एक शो होने वाला है, उसके लिए ऑडिशन दे दो, तुम थिएटर उटर करते रहते हो, अच्छे आर्टिस्ट हो, कर लो। मैंने कहा मैं तो बहुत समय से दे रहा हूँ लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। बोला नहीं फिर भी ट्राई करते रहो, ट्राई करने में क्या है। तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑडिशंस मांगे गए, तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो उसके लिए मैंने करीब
25 से 30 ऑडिशन ऑनलाइन दिए, उसके बाद ऑफलाइन ऑडिशन हुए 3-4, उसके बाद मॉक शूट हुआ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि ये रोल मुझे मिल जाएगा, बट ऊपर वाले की कुछ कृपा रही और मेरे ऑडिशन, मेरे मॉक शूट्स हमारे डायरेक्टर्स को पसंद आए और उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। पहली बार जब मैं शूट पर आया और तैयार हुआ, मेकअप वेकअप हो गया, उसके बाद वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब जब पहली बार मैंने शूट पे कैमरे को फेस किया तो आवाज आई रोल कैमरा एक्शन, तो पहले तो बड़ा नर्वस हुआ, बट हमारे जो इम्तियाज सर जी हैं, डायरेक्टर हैं इस शो के, उन्होंने हमें बहुत कंफर्टेबल किया हमारे को आर्टिस्ट के साथ में, खुद अपने साथ में बोले, बिल्कुल फ्री कर दिया हमें कि जो तुम्हें आता है तुम वैसा करो, जितना नेचुरल करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो एक अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इम्तियाज सर ने, ब्रिटिशर साहब ने मुझे इतनी छूट दे दी है, तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा, और किया और उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उनसे बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली। हालांकि मैंने थिएटर किया उसमें बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इम्तियाज सर से तो सीखने में बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली कि किधर जाना है, कितना जाना है, क्या एंगल है, कितना फ्रेम है, बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया। मतलब इस कैरेक्टर को करने में इम्तियाज सर के साथ में एक अलग ही आनंद रहा। हमारा नया शो आ रहा है और वही क्या चल रहा है, 30 मार्च से सिर्फ NTV पर, मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे, तो देखना ना भूलिएगा। और वही क्या चल रहा है।